गौनाहा प्रखंड के सन जेवियर्स हाई स्कूल रामपुरवा में 22 दिसंबर 2023 बृहस्पतिवार को मनाया गया क्रिसमस। गौनाहा थाना के SHO विनोद कुमार के प्रतिनिधि SI सुदामा कुमार रहे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि रहे उमाशंकर शर्मा। News 9 Times पश्चिमी चंपारण गौनाहा से आसिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत सेंट जेवियर्स हाई स्कूल रामपुरवा में 21 दिसंबर 2023 बृहस्पतिवार को अनोखे अंदाज में मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा बालक यीशु के जन्म संदेश को लोगों में फैलाया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य एवं क्रिसमस कैलर्स के द्वारा की गई। मुख्य अतिथि गौनाहा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार के प्रतिनिधि SI सुदामा कुमार एवं विशिष्ट अतिथि उमाशंकर शर्मा रहे। इन्होंने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कठिन परिश्रम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात बतलाई एवं प्रधानाध्यापक फादर देवाशीष ने मुख्य अतिथि प्रतिनिधि सुदामा कुमार एवं विशिष्ट अतिथि उमाशंकर शर्मा का परिचय कराया और अतिथियों को फादर आनंद द्वारा गुलदस्ते एवं शॉल से सम्मानित किया गया। फादर आनंद ने लोगों को बताया कि ईश्वर ही प्रेरणा के स्रोत हैं। गरीब दीन दुखियों एवं असहायों की सेवा करने की प्रेरणा हमें ईश्वर से मिलती है। प्रिंसिपल फादर देवाशीष ने क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों एवं अभिभावकों को बालक यीशु के जन्म संदेश प्रेम शांति क्षमा आज्ञाकारिता एवं सादगी के मार्ग पर चलने की सलाह दी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने मनोरम कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण द्वारा सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में ब्रदर राजन, सुखदेव शाह, सिस्टर सुमन, हृदयानंद मिश्रा, ओसीम राजा, अखिलेश कुमार, अयोध्या दुबे, चंदन कुमार, नगीना यादव, मुन्ना कुमार, पारस प्रसाद, प्रेम नारायण राय, सज्जन महतो, रामेश्वर महतो, संतोष यादव, सतन यादव, उमेश यादव, विकास कुमार, मिस अंजलि, मिस कीर्ति, मिस नीलमणि, मिस मनीषा, मिस निर्मला, मिस प्रतिमा एवं सिस्टर सुमन एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं पूर्व के वार्षिक खेल में विजेता छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र अतिथियों के हाथों वितरित किए गए। News 9 Times आगे इस प्रकार से मेहनत करते रहिए। तीस साल पहले इस दुनिया में एक इंसान बन करके आए और इंसान का अवतार लेकर के मनुष्य के दुख दर्द को उन्होंने एहसास किया और दुख दर्द को एहसास करते हुए मानव हित के लिए, मानव मुक्ति के लिए, मानव उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया। और वही ईसा मसीह का जन्म उत्सव हम आज जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है अपने स्कूल में मना रहे हैं। एक असाधारण व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा इस संसार में आए मुक्ति दाता के रूप में